हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। DRDO की तरफ से एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज वैकेंसीज आउट हुई है, वैकेंसीज काफ़ी टाइप की इस बार आउट कर दी गई हैं। सारी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं, किस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है और सैलरी इन हैंड आपकी क्या रहने वाली है। तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी 5 मिनट पहले ये वैकेंसीज आई है, सबसे पहले आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। तो सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करते हैं आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो सारी चीजें यहाँ पे ब्रीफ में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाकी इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिनकी वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज। उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इंफॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वेबसाइट आप देख पा रहे हैं। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे साइट मिल जाएगी। इसी के साथ साथ फेसबुक पेज को जरूर से फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया। वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको सारी की सारी वहां पे सबसे पहले मिल जाती है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए ज्यादा टाइम लेते हुए बात करेंगे DRDO की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में। DRDO की ये जो लेटेस्ट देखिए वैकेंसीज आउट की है, इसमें फ्रेशर पे बहुत ज्यादा इस बार फोकस किया गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है और यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं, ये रिलीज कर दिया गया है DRDO की तरफ से, जहाँ पे एज अ फ्रेशर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। सैलरी की यहाँ पे बात करें 34,500 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। अलग अलग पोस्ट वाइज वैसे ये वेरी करती है, आगे आपको बताने वाली हूँ। तो इसी नोटिफिकेशन की मुझे खास बात पर्सनली ये लगी कि यहाँ पे देखिए ये परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली है, कोई अप्रेंटिसशिप नहीं है। हर कोई अप्लाई यहाँ कर सकता है, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। और वैकेंसीज भी यहाँ पे काफी टाइप की है जो आउट कर दी गई हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन वाइज, और फ्रेशर पे ज्यादा फोकस किया गया है। ये मुझे ज्यादा अच्छे लगा इस नोटिफिकेशन के। तो यहाँ पे अगर वैकेंसीज की हम बात करें, काफी टाइप की वैकेंसी है। सबसे पहले देखिए जो पोस्ट है यहाँ पे GRF कंप्यूटर साइंस के लिए आउट हुई है। सेकेंड पोस्ट की बात करें GRF मैकेनिकल के लिए है। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें GRF इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए है। उसके बाद GRF फिजिक्स के लिए आउट हुई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज भी आई हुई है। डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए वैकेंसीज हैं। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए है। ये जो वैकेंसीज है ये वाली आपकी अप्रेंटिसशिप रहने वाली है। पहले जो 4 वैकेंसीज आप देख पा रहे हैं ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है, तो आप इसके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना। इसके लिए आपको सैलरी बहुत बढ़िया पे की जा रही है, बेस्ट सैलरी। तो यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा या ट्रेड अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए देखिए स्टेफन डिस्क्राइब तो नहीं किया, लेकिन मैं अगर मैक्सिमम भी आपको बताऊँ ये आपको 9,000 तक मिल सकता है। तो इसके लिए आप जरूर से अप्लाई करना। अब बात आती है अप्लाई इसके लिए कैसे करना होगा। देखिए इसकी इन्होंने ना एक नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म दिया हुआ है, आपको क्या करना है सबसे पहले ध्यान से समझना अप्लाई कैसे करना है, बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। तो सिलेक्शन आपकी कैसे होने वाली है वो चीजें आपको बताती हूँ। नोटिफिकेशन के साथ फॉर्म अटैच किया, आपने उसको डाउनलोड करके पहले अच्छे से उसको फिल करना है। अपनी सारी डिटेल्स फिल करके, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की, कहाँ से पास आउट की, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अटैच करनी है। ट्राई करना 3 मंथ से आपकी पुरानी ना हो। फिर आपने क्या करना है, इन्होंने एक ईमेल आईडी मेंशन की है, उस ईमेल आईडी पर आपको सेंड कर देना होगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पहले 4 वैकेंसी के लिए अप्लाई करें उसमें आपकी डेफिनेटली इंटरव्यू होगी। वो आपकी देखिए वॉक इन भी हो सकती है या आपकी यहाँ पर वर्चुअल भी हो सकती है, डिस्क्राइब नहीं किया है। ज्यादा चांसेस वॉक इन की है, जो भी रहेगा आपको बताया जाएगा। जो अप्रेंटिस वाली वैकेंसी है उसमें आपकी मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाली है क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फी की बात करें, फी यहाँ पे देखिए आपको कोई पे नहीं करनी होगी, फ्री में आपको इस अपडेट के लिए अप्लाई करना होगा।
चाहे आप मेल हो फीमेल हो दोनों ही। यहाँ पे लेटेस्ट वैकेंसीज को आप चेक कर सकते हैं, कलेक्टर ऑफिस की है, स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड सुपरवाइजर की वैकेंसीज है, 8th 10th 12th ग्रेजुएट की वैकेंसी आपको यहाँ एक सिंगल क्लिक पे देखने को मिल जाती है। लास्ट में देखिए, अब हम एज लिमिट की यहाँ पे बात करें, अगर आप पहले 4 वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 28 प्लस रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है, एज पर नॉर्म्स। अप्रेंटिस की बात करें 18 to 27 एज है, आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें, JRF के लिए आपने ग्रेजुएशन रेलिवेंट डिसिप्लिन में किया अप्लाई कीजिए, और जो आपकी अप्रेंटिस वाली है उसमें IT डिप्लोमा BE BTech मतलब उसके लिए ग्रेजुएशन किसी ने रेलिवेंट डिसिप्लिन में अलग अलग डिसिप्लिन है उसमें भी किया अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन लिंक मिल जाते हैं फर्स्ट और सेकेंड, आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आप यहाँ पे वैकेंसीज को चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑफिशियल साइट को आप विजिट करके लेटेस्ट वैकेंसी चेक कर सकते हैं जो इसके अलावा आई हुई है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट आप जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट अपडेट में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।